करें ये उपाय, दूर होगी नौकरी में आ रही रुकावटें, खुलेंगे तरक्की के रास्ते, पैसों से भरा रहेगा पर्स। बुधवार के दिन जरूर करें ये उपाय। दोस्तों, बुधवार का दिन गौरी के पुत्र प्रथम पूजनीय गणेश जी को समर्पित है। भगवान गणपति को विघ्नहर्ता की उपाधि दी गई है। उनके आशीर्वाद से जीवन में सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। संतान प्राप्ति, सफलता और संतान की सुरक्षा के लिए गणेश जी की पूजा अचूक मानी गई है। जिन पर गणपति जी की कृपा होती है उन्हें राहु केतु परेशान नहीं करते। कोई भी शुभ कार्य इनकी पूजा से ही पूरा होता है। शास्त्रों में बुधवार के दिन विशेष उपाय बताए गए हैं जिनसे घर में शुभता, सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं बुधवार के उपाय। व्यापार में तरक्की। गणपति जी को प्रसन्न करने के लिए बुधवार के दिन गणेश जी को 21 जोड़ी दुर्वा अर्पित करें। माना जाता है कि इससे नौकरी धंधे में आ रही रुकावटें खत्म हो जाती हैं और तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं। हर दुर्वा चढ़ाने के बाद ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जाप करें। बच्चों की पढ़ाई में एकाग्रता के लिए गणेश जी की पूजा से बुद्धि तेज होती है। कहा जाता है कि बुधवार के दिन गणेश जी को सिंदूर चढ़ाने से बच्चों का बौद्धिक विकास होता है, चिड़चिड़ापन समाप्त होने लगता है, बच्चों की पढ़ाई में रुचि बढ़ती है। शास्त्रों के अनुसार यदि कुंडली में राहु केतु दूषित हो तो संतान में झूठ बोलने की प्रवृत्ति बढ़ती है और पढ़ाई में मन भटकने लगता है। लेकिन प्रत्येक बुधवार को गणेश जी को सिंदूर चढ़ाने से दुष्प्रभाव का सामना नहीं करना पड़ता है। धन धान्य से भरे रहेंगे भंडार। बुधवार के दिन किन्नरों को हरे वस्त्र दान करना और गायों को हरी घास खिलाना बहुत शुभ माना जाता है। इससे आर्थिक प्रगति होती है। कुंडली में बुध बलवान होता है और जिससे निर्णय लेने की क्षमता और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। मानसिक तनाव से मुक्ति के लिए बुधवार के दिन ओम बुम बुद्धाय नमः का जाप करने से साधक को मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। बुधवार के दिन इन मंत्रों के जाप से मन की एकाग्रता बढ़ती है। आप इस दिन हरी मूंग की दाल का दान भी कर सकते हैं। हर क्षेत्र में सफलता के लिए शास्त्रों में बुधवार का दिन बहन और भतीजी के नाम बताया गया है। बुधवार के दिन बहन और भतीजी को उपहार देने से व्यापार, शिक्षा में उन्नति होती है और कुंडली में बुध के अशुभ प्रभाव से भी मुक्ति मिलती है। पारिवारिक संबंधों में भी खटास नहीं आती। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।